इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो वो लोग जो है स्टडी रूम में पहुंच जाते हैं और गुब्बा बैठा होता है। तो गुब्बा जो है पीटर से कहता है कि भाई ब्रो आप डेट पे गए थे, आपके डैड मुझे ये कह रहे थे आप किससे मिलने गए थे। तो इस उनकी जो है पीटर कहता है कि तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दो, मैं सीरियस जो है एक बिजनेस मीटिंग पर गया था। तो जो है जो गुब्बा हुआ है वो पीटर के क्लोज आके बोलता है जो बिग ब्रो आप मेरे जो है ग्रेजुएशन पार्टी पे क्यों नहीं आए। तो ये सुन के जो है पीटर कहता है ये जो पार्टी थी तुम्हारे क्लासमेट की थी, तो इसमें मैं क्या करता वहाँ पे जाके। तो फिर ये सुन के जो है गुब्बा स्माइल करता है और कहता है पर ये आप आते हो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तभी जो है पीटर जो है गुब्बा के लाए गए बैग पर पड़ती है और उससे पूछता है कि इसमें क्या है। तो वो जो है सारी चीज़ों को बैग से निकाल के टेबल पर रखता है। हाँ तो पीटर जो है वो कहता है कि सच्चे में तुम वेकेशन पे ही गए थे क्या, सिर्फ $3 लेके गए थे। तो ये सुन के जो है गुब्बा कहता है कि इतने भी बुरे नहीं है जो मैं लेकर आया हूँ और इतने भी बेकार नहीं है, पर कोई बात नहीं अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं इसे वापस लेके जा रहा हूँ, मैं किसी को भी दे दूँगा। और वो गुस्से में उसे अपने बैग में डाल रहा होता है। तो ये सुन के जो है पीटर कहता है कि ठीक है तुम किसी को भी दे दो, मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तुम दे सकते हो तुम्हें जिसे देना है। तो वो बहुत जो है गुस्से में कहता है ठीक है तुम्हें नहीं चाहिए तो तुम मत लो ठीक है, पर मुझे ये चाहिए, मैं इसे अपने पास रखूँगा और रोज़ जो है मैं इसको देखूँगा ठीक है, लेकिन कोई जो है इसे ना लेके बहुत ही ज़्यादा पछताएगा। तो ये सुन के जो है पीटर कहता है कोई भी नहीं पछताने वाला। हाँ तभी जो है जो गुब्बा वहाँ पे जो ब्रेसलेट आया होता है वो छल्ला उसे लेता है और कहता है ये बहुत सुंदर है, पता है इसे मैंने 2 यान में ख़रीदा है तुम्हें पता है, और ये इसकी जो ये डॉल है ना बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव और क्यूट है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तभी जो है गुब्बा जो है पीटर की तरफ देखता है कि जो पीटर है वो सो रहा होता है, और ये देख के जो है गुब्बा जो है अपने मन में सोचता है कि पीटर तो सो गया। और जो है गुब्बा जो है पीटर को कवर करता है, मतलब ब्लैंकेट जैसा कुछ उड़ाता है। तभी जो है पीटर की आंखें खुल जाती है तो ये देखकर जो है गुब्बा कहता है कि मुझे पता है कि गर्मी है हॉट है, फिर भी अगर तुम ब्लैंकेट नहीं ओढ़ोगे तो हो सकता है तुम्हें ठंड लग जाए। मन में सोचता है गुब्बा कि मैं कितना ज़्यादा स्लो हूँ ना, मैंने तो ये भी नहीं ध्यान दिया कि जो बिग ब्रो है वो कितने ज़्यादा थके हुए हैं। तभी जो है गुब्बा कहता है कि मैंने क्या आपको उठा दिया। तभी जो है पीटर गुब्बा के सर पर हाथ रखता है और कहता है नहीं मुझे जो है थोड़ा सा सोना, तुम भी जो है मेरे साथ सो जाओ, मुझे जो है कुछ चाहिए मेरे साथ सोने के लिए। तभी जो है वो दोनों सोफे पर सो रहे होते हैं एक दूसरे को हक करके। तो फिर जो गुब्बा हुआ वो कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी अलाउ नहीं है कि आप जो है मेरे से गुस्सा हो, मैं आपको बिल्कुल भी मेरे से गुस्सा नहीं होने दूंगा। तो पीटर ये सुन के कहता है अच्छा ठीक है चलो सोते हैं। हाँ तो पीटर इस तरीके से पकड़ा होता है गुब्बा को कि गुब्बा को बहुत अनकम्फर्टेबल फील होता है और कहते हैं हे इतना टाइट मत पकड़ो, मुझे बहुत ही ज़्यादा हॉट फील हो रहा है, अजीब सा हो रहा है। तो हिलते डुलते जो है जो गुब्बा हुआ थोड़ा ऊपर हो जाता है पीटर से, तो उसे फिर भी अजीब लगता है। तभी जो है जो पीटर है वो गुब्बा को नीचे करता है कि नीचे ऊपर सो, और कहते हैं कि क्या हो गया तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है मेरे साथ सोने में। तो जो गुब्बा हुआ वो कहते हैं नहीं बस मुझे थोड़ा अजीब सा फील हो रहा है। फिर ये सुनकर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जो पीटर है वो उठ जाता है, दोनों सोकर उठ जाते हैं, वो पीटर कुछ पीता है। तभी जो है गुब्बा भी उठ के बैठ जाता है और गुब्बा जो है वो पीटर से पूछता है कि ब्रो आप मुझसे पूछ के नहीं रहे कि मैं इतने दिनों से कहाँ था, कहाँ गुम हो रखा था, आपको तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। तो पीटर कहता है अच्छा ठीक है बताओ कि तुम कहाँ पर थे इतने दिनों से। तो गुब्बा कहता है इसमें जो है सारी गलती जो है फूफिंग और जीतू की है, पता है उन दोनों की जो लड़ाई अभी तक ख़त्म नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा इन दोनों की लड़ाई कब ख़त्म होगी। तो पीटर कहता है कि तुम्हारे जो फ्रेंड्स हैं वो बड़े हो गए, वो धीरे धीरे समझ जाएंगे। हाँ तो ये सुन के जो है गुब्बा कहता है तो फिर मुझे कब तक वेट करना पड़ेगा कि कब उन दोनों के भी जो भी प्रॉब्लम है वो सही हो। ये सुन के जो है पीटर गुब्बा के क्लोज आता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं क्या हूँ, मैं कोई भगवान हूँ? हाँ और ये सुन के जो है गुब्बा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि तुम जो है पीटर को कहता है तुम हमेशा जो है मुझे इसी तरीके से परेशान करते हो, मेरे से मज़े लेते हो। हाँ अब बस बहुत हो गया, मैं भी थक गया, अब मैं भी जा रहा हूँ घर ठीक है। फिर हम देखते हैं गुब्बा और पीटर जा रहे होते हैं, गुब्बा अपना घर जा रहा होता है। तो गुब्बा जो है वो कहता है कि पीटर क्या अभी भी आपने सब पक्का सोच लिया कि आप मेरे ग्रेजुएशन पार्टी में नहीं आएंगे? हाँ अगर नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, हम जो है मेरे पार्टी के बाद हम अलग से अपना फ़न करेंगे, और वैसे भी मुझे जो है आप लगता है ना कि आप इतने भी ज़्यादा ओल्ड नहीं हो, फिर भी ओल्ड जैसा जो है आप एक्ट करते हो, आपको जो है यंग लोगों के साथ रहना चाहिए मेरे जैसे लोगों के साथ। तो ये सुन के जो है पीटर कहते तुम्हें क्या लगता है मैं क्या तुम्हें दिखाऊँ मेरे अपने हेल्थ इश्यूज जो भी है, मैं हेल्दी हूँ कि नहीं, हाँ और वैसे भी मैं यंग हूँ ओके।
और वैसे भी कल का जो दिन है वो तुम्हारे लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तुम कल बहुत ही ज़्यादा फन करोगे और कल जो भी तुम टाइम स्पेंड करोगे वो तुम्हें जो है लाइफ टाइम तक याद रहेगा। तो ये सुन के जो है वो खुश होता है और कहते हैं अच्छा बिग ब्रो आपको लगता है कि क्या कोई मुझे पसंद करता है, कल कोई मेरे को अपना प्यार कन्फेस कर सकता है? वैसे भी क्योंकि हमारे स्कूल और क्लास का कल लास्ट डे है तो हो सकता है कि कल मुझे कोई कन्फेस करे। और सुन के गोवा बहुत खुश हो रहा होता है सोच के। तभी जो है पीटन कहता है अच्छा अगर सच्ची में जो है कोई तुम्हें कन्फेस करे अपना प्यार हाँ तो तुम क्या करोगे? हाँ तो ये सुन के जो है गोवा जो है वो सैड होकर कहते हैं मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मेरी मॉम ने बोला है अगर उन्हें पता चल गया ना मैंने किसी के साथ डेट कर रहा हूँ मैं किसी को, वो मेरे पैर तोड़ देंगी। तो ये सुनकर जो है पीटैंग थोड़ा सा स्माइल कर कि तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड बाद में बनेगी पर मेरे हिसाब से तुम्हारी मॉम जो है तुम्हारे पैर अभी ज़रूर तोड़ देंगी। तभी जो है गोवा हंसकर कहता है कि पीटैंग तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैंने कहीं चांस मिस कर दिया अपने ट्रू लव का तो? तो ये सुन के जो है जो पीटिंग है वो कहता है कि क्या इसका मतलब तुम्हें कोई पसंद है, तुम किसी को पसंद करते हो? तो जो है गुबाओ कहते हैं नहीं मैं कर भी किसी को पसंद तो नहीं करता। अच्छा गुबाओ अभी ब्रो आप पहले किसी के साथ होंगे तो क्या आपको उससे प्यार था? हाँ तो ये सुन के जो है पीटैंग कहता है कि अगर तुम्हें इस टॉपिक पे बात करनी तो एक काम करते हैं हम रात को बैठ कर आराम से बात करते हैं, तुम एक काम करो यहीं पर रुक जाओ और रात को हम इस बारे में आराम से बात करेंगे। फिर चेंज शिफ्ट होता है तो गुबाओ को हम देखते हैं जो कि पीटैंग के रूम में होता है और अपनी मॉम से बात कर रहा होता है। तो उसकी मॉम जो है वो कहती है कि तुम पीटैंग को जो है बिल्कुल भी परेशान मत करना, ठीक है तुम प्रॉब्लम मत क्रिएट करना। तो जो गुबाओ है वो कहता है कि मॉम मैं बहुत ही अच्छा बच्चा हूँ आप ऐसे मत बोलो। तभी जो है गुबाओ सामने देखता है और कहता है वो। तभी जो है उसकी मॉम कहती है क्या कहा तुम आके कर क्या रहे हो, तुम जो है मुझे पीटैंग को फ़ोन दो, मुझे जो है पीटैंग से बात करनी है। तभी जो हम पीटैंग को देखते हैं जो कि शावर लेकर आया होता है तो गुबाओ जो है वो पीटैंग को कहते हैं कि बिग ब्रो जो मॉम है आपसे बात करना चाहती है। तभी जो है जो पीटैंग है वो गुबाओ को देखता है और उसकी मॉम से बात करता है और कहता है हेलो मैं पीटैंग बोल रहा हूँ। तो जो गुबाओ है वो पीटैंग के पैरों को ऐसे टच कर रहा होता है हाँ और जो है मन में सोचता है कि वाओ इन इसकी जो मसल्स है मैं फील कर रहा हूँ बहुत स्ट्रांग है। तभी जो है गुबाओ की जो मॉम है वो कहती है कि सॉरी हाँ वो वहाँ पे तुम्हें प्रॉब्लम होगी। तभी जो है पीटैंग गुबाओ की गर्दन को पकड़ के उसको पेट पे कर देता है और उसकी मॉम से कहते हैं नो आपका बच्चा बहुत अच्छा है वो तो गुड बॉय है कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, और फ़ोन जो है कट हो जाता है हाँ। तभी जो है पीटैंग गुबाओ को छोड़ता है और कहता है अगर ये तुमने दोबारा किया ना तो देख लेना मैं क्या करूँगा तुम्हारे साथ, समझे? तो गुबाओ जो है वो बैठ जाता और कहते हैं कि क्या हो गया अगर मैंने तुम्हें थोड़ा सा टच कर लिया तो? वैसे भी हम दोनों क्या है? तभी जो ये सुन के पीटैंग कहता है कि नहीं तो वैसे कहीं पे भी किसी को भी इस तरीके से ऐसे टच नहीं कर सकते, ठीक है? तभी जो ये सुन के जो है जो गुबाओ से गुस्सा आता है और टावल लेके वो उस रूम से जाता है जा रहा होता है। हमारे एज का हो जाऊँगा ना तो मेरी भी तुम्हारी जैसी मसल्स होंगी। तो ये सुन के जो है पीटैंग बोलता है कि ये ज़रूरी नहीं और मेरे सबसे ये सच भी नहीं है। फिर हम 15 मिनट बाद का सीन देखते हैं जहाँ गुबाओ जो है शावर लेकर आता है और वो पीटैंग को कहता है कि इसमें सारी तुम्हारी गलती, तुम्हारी वजह से अब मेरे जो है बैक में दर्द हो रहा है। और उसके पास आके कहता है ये देखो ये रेड हो गया ना मेरा पूरा। तो ये उसको देखता है पीटैंग और कहता है कि कुछ खास नहीं है कोई सीरियस नहीं है, ठीक है? और फिर से अपने काम में जो है लग जाता है। तभी जो है ये देख के गुबाओ को गुस्सा आता है और गुस्से में कहता है ठीक है मैं सोने जा रहा हूँ और तुम भी जो है सो जाओ। तो फिर हम देखते हैं कि गुबाओ और पीटैंग एक ही बेड पर सो रहे होते हैं। तो पीटैंग जो है गुबाओ को कहता है कि ठीक है कल जो है मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, ठीक है? तो जो गुबाओ है वो कहता है ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये जो एपिसोड है यहीं पे ख़त्म होता है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, बाय।